हेलो गाइस, वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल डीएस क्रिएटर। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एक नंबर बहुत अच्छा हूँ। प्यारे दोस्तों, लास्ट दो या तीन महीनों से मैं काफ़ी इधर उधर रिसर्च कर रहा हूँ, एक कुछ ना कुछ नया मेंबर अपनी डीएस क्रिएटर की फैमिली में लाने के लिए सोच रहा हूँ। या तो नई बाइक लाऊँ या फिर नई कार लाऊँ। तो इन सब असमंजस को क्लियर करते हुए आज फाइनली अपना डिसाइड हो गया है कि अपन न्यू क्या लेकर आ रहे हैं। और देखिए, ऐसा है कि कार तो एक्चुअली मेरे पास में है, प्रीमियम कार है, अच्छी कार है, मारुति सुजुकी बलेनो नेक्सो 2018 मॉडल है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। पर उसके साथ साथ में एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वो चीज़ है एक ऑफ रोडर, एक यू कह सकते हैं SUV और एक ऐसी गाड़ी जिसको अपन कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में अपने चैनल पर आपको बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा टूर मिलने वाला है। तो बाइक के टूरर के साथ साथ में अपन उसमें भी टूर करेंगे। तो इसीलिए अपन चल रहे हैं आज अपने सपने को देखने के लिए। और फाइनल कब होगा बोले तो आज बुक तो करके आ जाएंगे अपन, पर फाइनली कब आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत लंबी वेटिंग टाइम है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। पर अब देखते हैं शोरूम जाकर क्या स्थिति है। तो बने रहना, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे यार देखो, सीधी सी बात है कि जिंदगी में यार दोस्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, प्यार करने वाले लोग नहीं है। यार दोस्त आज तक जो भी यार दोस्त मिले सब ने इसी के लिए अपने साथ दोस्ती की और बस फिर निकल लिया अपने अपने मतलब निकाल कर। तो बस यही है कि अपनी डीएस के राइडर की फैमिली बहुत बड़ी होती रहे, आप लोगों का खूब प्यार मिलता रहे मुझे, और मैं भी आप लोगों को खूब सारा प्यार करूँ। तो इसी प्यार को और मजबूत करने के लिए फटाफट से कर दो सब्सक्राइब। और अब अपन चल रहे हैं शोरूम, तो देखते हैं क्या होता है। बने रहो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद गाइस, अपन निकल चुके हैं अपनी गाड़ी की बुक सॉरी देखने के लिए। क्या है कि काफी दिन से मैं गाड़ियां देख रहा हूँ, टेस्ट ड्राइव कर करके चेक कर रहा हूँ। उसमें क्रेटा हो गई और मारुति की एक गाड़ी ज़रूर हो गई, उसके अलावा महिंद्रा की भी एक गाड़ी देखी। पर आज अपन फाइनली उसको चलाएंगे फिर से और बुक करके आएंगे, यही अपना प्लान है। प्यारे दोस्तों, वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं, अब मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं कि कौन सी गाड़ी अपनी फाइनली अपन लेने वाले हैं। तो अभी चल रहे हैं अपन शोरूम के अंदर और बुक द कार और फाइनल करते हैं डिलीवरी कब मिलेगी। तो चलिए अब अपन चलते हैं शोरूम के अंदर। फाइनली दोस्तों, आपको मैं अपनी जो बुकिंग है या बुक है या बुकिंग होने वाली है गाड़ी रिवील करने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठिएगा। Love is love. Love is love. Adios. प्यारे दोस्तों, अब अपन चल रहे हैं अपनी थार की टेस्ट ड्राइव के लिए। टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है यहाँ पे, थार ऑटोमेटिक डीजल अवेलेबल है जगदीश जी, और अपने साथ में है जगदीश जी। जगदीश जी का इंट्रोडक्शन भी करवा लेता हूँ। जगदीश जी किस पोस्ट पे आप यहाँ पर? मैं शोरूम सेल्फ कंसल्टेंट। अच्छा, कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, बहुत बढ़िया यार। जगदीश जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसान है। और बस अब आप सब लोग रिक्वेस्ट करो कि जल्दी से जल्दी अपने को अपनी थार निकाल कर दे दे। तो बस अपन भी अपने फटाफट से इस बार का लद्दाख टूर अपन भी थार से निकलेंगे, ना कि अपनी बाइक पर। तो चलिए अब चलते हैं अपन टेस्ट ड्राइव के लिए। निकल टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं ऑटोमेटिक डीजल में, और टॉप मॉडल है ये,
गाड़ी का जो एसी है वो भी बहुत ही क्लासी एसी के एकदम, मतलब जैसे ही मैंने अभी स्टार्ट किया अगले 2 मिनट नहीं हुए और बिल्कुल एकदम कूल कर दिया गाड़ी को। इसके अलावा आप हार्ड टॉप आप देखेंगे तो वास्तव में लगता है हार्ड टॉप, मेरे बलेनो से तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है मुझे ऐसा लगता है। स्पीकर इसके 6 स्पीकर है सर जगदीश जी, 6 स्पीकर है, 4 स्पीकर है और 2 ट्यूटर हैं। उसके अलावा डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वाला डैशबोर्ड है, बहुत ही अल्टीमेट है। पुरानी थार को देख के अगर इसको लगे, इसको बैठने के बाद में अगर ऐसा लगता है कि अपन किसी प्रीमियर कार में बैठे हैं, और पुरानी थार जो थी वो उस टाइम के हिसाब से बेटर थी, पर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अब अपन चलते हैं, ऑटोमेटिक आज फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ तो निकलते हैं। देखें ऑटोमेटिक चलाने का अलग ही आनंद है कि आपको गियर वाला कोई सिस्टम नहीं करना है। हॉर्न भी काफ़ी बढ़िया दे दिया गया है, बड़ा वाला। टर्निंग रेडियस भी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का। ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि अपन कुछ अलग ही दुनिया में चले गए, क्योंकि मेरी खुद की आदत है गियर पर हाथ रखने की और रेगुलर क्लच प्रेस करने की, पर ऑटोमेटिक गाड़ी में सबसे बेस्ट ये है कि आपको एक बार गियर डालना है उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, पर एक चीज़ कहूँगा कि जो मैन्युअली चला रहे गाड़ी काफ़ी टाइम से, जैसे मैं 6-7 साल से मैन्युअल गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिक चलाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब जैसे अभी पीछे मुझे लगा तो फटाक से मेरा हाथ गियर पर चला गया, फिर याद आया कि नहीं ये तो ऑटोमेटिक है। तो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, आपको शुरुआती दौर में थोड़ी सी तकलीफ पड़ सकती है पर उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। स्टेयरिंग भी काफ़ी बढ़िया लाइट स्टेयरिंग है, मतलब इतना भी लाइट नहीं है, SUV वाला फील पूरा है इसके अंदर, SUV वाला फील इसमें पूरा है। और जहाँ हमारे उदयपुर में शोरूम है, यहाँ के रोड थोड़े ऐसे ही है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो अपन खुल के चला नहीं पा रहे, पर अब ट्राई करते हैं। लेकिन एक बार और गाड़ी की हाइट भी काफ़ी तगड़ी है, तो लगता है कि कहीं बब्बर शेर पर अपन बैठ के जा रहे हैं, और इसको देखने के बाद लगता है हाँ यार अपन हाइट पर हैं। तो अब अपन मिलते हैं सीधा ऑफिस जाकर। Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping. Can't fight this feeling off no more. But I'm not going to give up and fall. Rise above it all. Need all my challenges and search for my strength. तो दोस्तों बताइएगा कि कैसा लगा आपको? सेम कलर अपना होने वाला है और सेम सेगमेंट है, 4x4 डीजल ऑटोमेटिक या फिर मैन्युअल हार्ड टॉप टॉप मॉडल, जो भी जल्दी अपने को मिले। उदयपुर में बुकिंग 10 महीना है, परंतु अपन ने थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाया है और अपना यूट्यूब का भी थोड़ा जुगाड़ लगाया है, तो कह रहे हैं कि 3-4 महीने में अपने को बुक, अपने को 3-4 महीने में अपने को गाड़ी दे देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है, जितना जल्दी अपने को मिले उतना जल्दी अच्छा है। अपने नए घर में गृह प्रवेश के साथ साथ में नए गाड़ी के साथ में गृह प्रवेश करेंगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा, और जो अपना नया घर है वहाँ पे ऑलरेडी अपने नए घर में 2 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, तो कोई तकलीफ अपने को आएगी नहीं। तो अपन फटाफट से देखते हैं क्या होता, कौन सी फटाफट अपने को मिलती है, या अब खुशी के मारे मेरे से बोला नहीं जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और गाइज एक्चुअली में क्या है कि बहुत टाइम हो गया प्रीमियम गाड़ियाँ चला चला के
अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफ रोडिंग के लिए जाया जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा जो न्यू घर बन रहा है ये भी अभी तक रिवील नहीं किया, मैंने किसी को भी नहीं किया है। मेरे पेरेंट्स को ही पता है और इसके अलावा किसी को नहीं पता। मेरा जो न्यू घर बन रहा है उस घर में दो बड़ी गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी है, इतना स्पेस है उसमें आराम से। और आपको जल्दी मैं अपने घर के टूर पर भी लेके चलूँगा, घर की लोकेशन कहाँ है और कैसा बन रहा है, क्या मैप है, वो भी चीज़ें आपको सारी बताऊँगा बहुत जल्द, जैसे होली जलेगी उसके तुरंत बाद में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि होली में कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, तो होली का थंब रोपा हुआ होता है तब तक कोई अच्छा काम नहीं करता। अपन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो अपन इंतज़ार करेंगे पर लेंगे वही जो अपने को पसंद है। और घर भी अपना देखो 4 से 6 महीने उसको लगेंगे बनकर तैयार होने में, तो उससे पहले अभी कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या हुआ, वो सब भी आपको जल्दी मैं रिवील करूँगा। तो मिलते हैं अपन।